आज ये लोग के एक नेत्री आई थी प्रियंका गांधी, गांव-गांव में पूरे शासन प्रशासन को झोंक कर भीड़ जुटाई गई, नशाखोरी, जुआ, सट्टा, शराब, नदी बह रही है, मतलब भ्रष्टाचार तो अखंड पर है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक नारा आप लोगों ने दिया है, बदल दो बदल दो ये दारी, छत्तीसगढ़ सरकार ला बदल दो। मगर पाटन में नारा नजर आ रहा है इस बार, बारी भतीजा के बारी, इस तरह के दो अलग अलग स्लोगन नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर से निकली थी, वो पूरे क्षेत्रों का जो भ्रमण करते हुए, बस्तर और दुर्ग भिलाई क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आज मुख्यमंत्री के जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पाटन पहुंची है, वहां पर भव्य स्वागत हो रहा है। और इस यात्रा के में शामिल होने के लिए यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल वो विशेष रूप से यहां पर पहुंचे हैं, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं। हम अपने IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो विजय बघेल है उनसे, इस यात्रा परिवर्तन यात्रा के रथ उस पर सवार होते हैं, उनसे हम बात करेंगे, बेबाक बात करेंगे कि इस परिवर्तन यात्रा का किस तरह से असर नजर आ रहा है और कितना प्रभावी ये परिवर्तन यात्रा होगी। तो आइए बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दुर्ग भिलाई से होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंच चुकी है। सैलूद चौक में उसका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो बाइक रैली के साथ साथ इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे हैं। अभी संसद का सत्र चल रहा था और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो संसद के सत्र को बीच में छोड़कर आज यहाँ पर जो पाटन में जो सभा होने वाली है और परिवर्तन यात्रा जो पाटन पहुंची है उसमें यहाँ पर आए हैं और लगातार जहाँ जहाँ से परिवर्तन यात्रा गुजर रही है जोरदार भव्य स्वागत हो रहा है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी, क्या लग रहा है आपका ये उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है? निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से परिवर्तन यात्रा बाद दंतेश्वरी की पावन धरती से शुरुआत हुई, माँ की कृपा बनी और लगातार जो जोश खरोश के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत अभिनंदन लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में हो रहा है। मेरे दुर्ग लोकसभा में भी 3 दिन पहले इसकी शुरुआत हुई और आज हम लोग पूरे 8 विधानसभा करते हुए 9वें विधानसभा पाटन में प्रवेश किए हैं। आप देख रहे हैं इतना उत्साह, इतना उमंग लोगों का है कि निश्चित रूप से पूरा परिवर्तन दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में जनता कटिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लगातार आशीर्वाद बनाए हुई है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक नारा आप लोगों ने दिया है, बदल दो ये दारी, छत्तीसगढ़ सरकार ला बदल दो। मगर पाटन में नारा नजर आ रहा है इस बार, बारी भतीजा के बारी, इस तरह के दो अलग अलग स्लोगन नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए लोग अपने अपने तरीके से नारे बुलवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से आह्वान किया था कि बदलवो कांग्रेस के भ्रष्टाचार सरकार ला बदलवो, और उसी कदम पर चलते हुए हम विश्वास दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह आपने हमें आशीर्वाद दिया है, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है, आपने हमारी ताकत और हिम्मत बढ़ाई है, हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपके विश्वास में हम खरे उतरेंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बदलवो का नारा साबित होगा, कांग्रेस की सरकार बदलेगी, ये मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा अब कई किलोमीटर की यात्रा ये कर चुकी है परिवर्तन यात्रा जो दंतेवाड़ा से निकली थी, सबसे ज्यादा आक्रोश जनता का किस बात को लेकर नजर आ रहा है? हर ओर नशाखोरी, हर ओर धोखाधड़ी, हर ओर लोगों को छला गया, लोगों को धोखा दिया गया और आंकड़ों की जाल में छत्तीसगढ़ को चलाया गया, ये साबित करता है। वृद्धों को आप छलोगे, महिलाओं को छलोगे, आंगनबाड़ी मितानिन की बहनें कितने महीनों तक वो हड़ताल में रही, मतलब हर को आप छलोगे, सबको छलने का काम इन्होंने किया है और धोखा ज़्यादा दिन नहीं चलता, धोखे की सरकार अब खत्म होगी। नशाखोरी, जुआ, सट्टा, शराब, नदी बह रही है, मतलब भ्रष्टाचार तो अखंड पर है, इनका जो चरित्र है, चाल और चरित्र है, वो बेनकाब हो चुका है, इनके चेहरे में कालिक पुत गई है, वो कोई भी केमिकल से धुलने वाला नहीं है, ये कालिक अब हमेशा के लिए इनके चेहरे में रहेगी।
जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री पर एक व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर चुके हैं, ये असम के जो मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में अगर दम है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मंदिर लेकर चले जाएं। उसके बाद भूपेश बघेल का यह बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के मौत पर निधन पर मुंडन नहीं हुए थे, इस तरह की बात हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, जो प्रतिक्रिया आई उसको लेकर? देखिए, ये लोग कुछ भी अनर्गल बयान करें, तुक से बेतुक बात करना इनकी आदत सी बन चुकी है। ये लोग अपने आप को पता नहीं मोदी जी से कितने भयभीत हैं, मोदी जी से कितने डरे हुए हैं, हर चीज में मोदी जी की गलती दिखती है, लेकिन जनता देख रही है। इनको हमें प्रमाण पत्र देने की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी को किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, जनता को हम प्रमाण पत्र देंगे। जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का साथ हमारे साथ है, जनता का प्रयास हमारे साथ है, इसलिए इन कांग्रेसियों को और इन विरोधियों को हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने परिवर्तन यात्रा निकाली, एक अच्छा जनसमूह उड़ रहा है, उमड़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है? आज ये लोग के एक नेत्री आई थी प्रियंका गांधी, गांव-गांव में पूरे शासन प्रशासन को झोंक कर भीड़ जुटाई गई, लेकिन आज देखिए अपने संसाधन से यह हजारों की संख्या में युवा साथी एक रैली के रूप में आए हैं, और आप देखिएगा ये भीड़, ये हुजूम, आप देखिए ये जो मुख्यमंत्री है ना, इसके खिलाफ ये रैली निकली है, ये कांग्रेस सरकार है ना, इसके खिलाफ ये रैली निकली है, और जो इन्होंने परीक्षा चल रहा है बच्चों का प्राइवेट स्कूल में, सभी स्कूल में, उस परीक्षा को भी आज कैंसिल कराकर स्कूल बसों को भी कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के माध्यम से लोग जब्त करवाए और उसमें लोगों को भर भर कर यहाँ पे लाए हैं प्रियंका गांधी। लेकिन उसके बाद हमारे किसी भी विधानसभा में, चाहे दुर्ग से निकले तब दुर्ग शहर गए, वैशाली नगर गए, भिलाई नगर गए, रिशाली दुर्ग ग्रामीण गए, हर जगह एक भीड़ और उत्साह उमंग हमारी इस परिवर्तन यात्रा में दिखी है। ये देखा जा रहा है कि जो इस आधी जनसंख्या है, पूरे प्रदेश की जो आधी संख्या, देश की आधी जनसंख्या है महिला, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने एक महिला आरक्षण पर 33% आरक्षण पर बिल लाया है, कांग्रेस महिला का सम्मेलन यहाँ पर कर रही, प्रियंका गांधी को ला रही है, क्या लगता है महिलाओं का किस समर्थन किस तरह से लेंगे आप? निश्चित रूप से नारी शक्ति जागेगी, ये प्रयास हमारा हमेशा से रहा है, नारी शक्ति को सम्मान देना ये प्रयास हमेशा से माननीय मोदी जी का रहा है। प्रधानमंत्री आवास हमारी बहनों के नाम से, उज्ज्वला योजना बहनों के नाम से, बैंक में खाते बहनों के नाम से, हर जगह मोदी जी ने सम्मान दिया है, सुलभ शौचालय बहनों के सम्मान के लिए बनाए हैं, तो ये प्रदर्शित करता है कि मोदी जी और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रति समर्पित रही है। 1974 से बात उठ रही थी कि महिला आरक्षण की, आज उन्होंने साबित किया कि हमारी सरकार अब महिलाओं के संरक्षण में जो आरक्षण लाई है वो स्वागत योग्य है। सभी बहनों को मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा है कि विजय बघेल जो पाटन के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका कहना है कि ये जो परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा में लोगों का जो स्वस्फूर्त जोश नजर आ रहा है, जो भीड़ नजर आ रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार घोटाले और जो वादा खिलाफी है उसका गुस्सा है, और ये जो परिवर्तन यात्रा है आने वाले दिनों में सत्ता का परिवर्तन भी कराएगी। तो हमारा ये विभाग जो चर्चा वो कैसी लगी, आप इसको लेकर सुझाव दें, ये अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देखते रहें। मेरे कैमरा में लखन शर्मा, मुझको दो इजाज़त, आप देखते रहें IBC 24 और खबर विभाग।